गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी तक हम लोगों ने बात किया था अबाउट दी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। हम लोगों ने दो प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट कर लिए हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। जितने भी पॉसिबल केसेस थे वो सारे के सारे केसेस हमने उसमें डिस्कस कर लिए थे कि हाउ एग्जैक्टली द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन और हाउ एग्जैक्टली दी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन विड वर्क, हाउ एग्जैक्टली दी प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन नॉर्मल बॉडी विड डू। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, मैंने आपको बोला था कि सॉल्व आपको करना है इसको। मैंने आपको पहले भी कही थी बात कि जो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करेंगे, सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज नथिंग बट वो अल्टीमेटली खत्म होते हुए तो आपको लगेगा कि ये एक ही टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक नहीं है, दिस आर ऑल द वन एंड द सेम थिंग, ये सारे एक ही टॉपिक अवेलेबल है। तो हमको कैसे समझ में आएगा कि टॉपिक एक है या अलग अलग है। अब एक बात करते हैं द लास्ट टॉपिक, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन के बारे में। अच्छा, जब हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं कहाँ पर काम आएगा ये, जैसे कि मान लो मैं बात करूँ कारगिल वॉर का, द पाकिस्तान इंडिया वॉर विच हैज हैपेंड एट द कारगिल, तो कारगिल वॉर में ऊपर के लोकेशन पर कौन था और नीचे के लोकेशन पर कौन था। नीचे वॉज द एट द डाउन साइड ऑफ द हिल देर वॉज इंडियन आर्मी एंड द टॉप साइड देर वॉज टेररिस्ट पाकिस्तानीज। तो जब हमको उनको बीट करना है, वेन वी हैव टू किल देम, वी हैव टू टेक अवर लैंड बैक फ्रॉम देम, तो वॉट वी नीड टू डू इज वी के नॉट गो आउट इन द ओपन एंड फाइट एंड राइट, क्योंकि ऊपर से नीचे क्लियर दिखता है बट नीचे से ऊपर क्लियर नहीं दिख सकता। सो हम लोग कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं था कि यार मैं गोला भर के डाल के देखूँ कि वो वहाँ पर गिरता है कि कहीं और जाके गिरता है, ऐसा भी नहीं है। तो वहाँ पर भी आपको इंजीनियरिंग लगेगी, वहाँ पर भी आपको कैलकुलेशंस लगेंगे कि एग्जैक्टली कितने एंगल पे कितने वेलोसिटी से कहाँ पर प्रोजेक्ट करना होगा ताकि वो वहाँ पर गिरे। आपने कई पुरानी पुरानी मूवीज़ देखी होगी, उसमें बोलते भी हैं वो लोग कि 10 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे। तो जब हम एंगल चेंज करते हैं तो एग्जैक्टली क्या होगा, व्हेन यू चेंज द एंगल एवरी सिंगल थिंग गेट्स चेंज्ड, सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा। वैसे ही जब हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द मोशन ऑफ द प्लेन ऑन इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल प्लेन, इसका बेसिक एग्जाम्पल जो आपको मैंने बताया अभी, वो देखो कैसे होगा। मान लो कि ऐसा एक कोई बंकर बना हुआ है, दिस इज द बंकर ऑफ एन इंडियन आर्मी आई शुड से, और एट द टॉप ऑफ द हिल देर वॉज द पर्सन हु इज द टेररिस्ट, राइट। तो यहाँ से जब हम उसको ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन से, खदी जो गन है वो गन से हम लोग गोला फेंकेंगे एट एन एंगल थीटा, तो जो गोला है वो ऐसे जाएगा। तो अब जो मोशन हो रहा है, दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। और सिंपल तरीके समझने जाओगे, सपोज ऐसा कोई एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है जिसका एंगल ऑलरेडी थीटा था, यानी एंगल थीटा वॉज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो मान लो ये एंगल बीटा है, एंगल बीटा पे इंक्लाइन प्लेन था, आपका दोस्त जो है वो यहाँ पर खड़ा है, आप जो है वो यहाँ पर खड़े हो, आपने एक बॉल को थ्रो किया इनिशियल वेलोसिटी यू से एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो जो बॉल है वो आपके दोस्त के पास में जाएगा, इट विल कवर हाइट एच एंड एज वेल एज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एस एच, तो उसने वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया साथ में उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया। तो इसको हम लोग कहते हैं मोशन ऑफ अ प्लेन ऑन एन इंक्लाइंड, द प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा सर, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन हो गया। तो आपने तो हमसे बात कही थी कि सबके सब सिमिलर होते हैं, कोई डिफरेंस सब में नहीं होता, तो हाँ होते हैं सिमिलर। देखो सिमिलर कैसे होंगे, जब ये ऐसे आपके पास में एक प्लेन था, इट वॉज ऑलरेडी एट एन एंगल बीटा, आपने एक पार्टिकल को थ्रो किया विथ इनिशियल वेलोसिटी यू एट एन एंगल थीटा, हमने एक पार्टिकल को थ्रो कर दिया, या फिर एक काम करते हैं थीटा नहीं मान, थीटा मान लेते, चलो हम लोग थीटा कैसे मानते हैं हमेशा हॉरिजॉन्टल से मानते हैं ना। तो क्या होगा, यहाँ से आपका जो बॉल निकलेगा या प्रोजेक्टाइल निकलेगा वो यहाँ पर जाके ख़त्म हो जाएगा। तो अब आप देखोगे एक्सेलरेशन के बारे में, सो एक्सेलरेशन इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जो कि आपका एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड होगा। तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट बनेगा ये और एक कंपोनेंट बनेगा ये कंपोनेंट बनेगा जी कॉस ऑफ बीटा, ये कंपोनेंट बनेगा आपका जी साइन ऑफ बीटा। जब मैं वेलोसिटी को रिजॉल्व करता हूँ दो कंपोनेंट्स में, तो एक कंपोनेंट जाएगा ये और एक कंपोनेंट जाएगा ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा माइनस बीटा। सो वेलोसिटी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, अब देखो हम लोग इसको मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे लिए एक्स एक्सिस है, ये मेरे लिए वाई एक्सिस है, मैंने एक्सिस को ऐसे ना रखते हुए मैंने एक्सिस थोड़ा चेंज कर दिया है ना। तो वेलोसिटी अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन कितना आया, यू कॉस ऑफ थीटा माइनस बीटा
वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या आई, यू साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा। कई सारी बुक्स में यहाँ पर अल्फा भी मिलेगा, तो दिक्कत कुछ भी नहीं है। हम लोग जो नॉर्मल प्रोजेक्शंस ले रहे थे हम लोग वही डील कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, इट इज माइनस ऑफ जी साइन बीटा। इस बार एक्स एक्सिस में भी एक्सेलरेशन है, बिकॉज जी साइन बीटा विल ट्राई टू अपोज इट, है ना। जी साइन बीटा क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। जब ये ऊपर जा रहा था पार्टिकल, तो ऊपर जाते हुए कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस इज माइनस ऑफ जी कॉस बीटा, बराबर। तो हमको डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी भी मिल गई, एक्सेलरेशन भी मिल गया। किसी भी पॉइंट टाइम पे यदि मैं इक्वेशन निकालूं, तो गौर से देखोगे कि वाई एक्सिस में पार्टिकल जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया। तो आई कैन सिंपली से दैट द डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज जीरो। सो एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टाइम्स टी स्क्वायर। तो एस वाई की वैल्यू तो जीरो, यू वाई कितना आया था, यू वाई की वैल्यू आई थी यू साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी कॉस ऑफ बीटा इंटू टी स्क्वायर। सो हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर इज यू साइन थीटा माइनस बीटा। तो यहां से इंटू टी, ये टी ने टी को मारा, तो t की वैल्यू आ गई 2u sin of theta minus b upon g cos beta। पर मैंने आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन पहले ही याद करवाया था 2uy by g। uy क्या था, वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन, वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी थी भाई साहब, u sin of theta minus beta, देखो वही आ रहा है। बट अब जब हम लोग याद करें तो हम लोग क्या याद करेंगे इसको, वी विल रिमेंबर इट एज 2uy by gy। We will remember the equation as 2uy by gy। तो देख लो gy की वैल्यू कितनी, g cos beta, यहाँ पे कितना आ रहा है g cos beta। So simply the time of flight is given as 2uy by gy। तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी दिया हो, कुछ भी पार्टिकल्स दिए हो, कैसे भी मोशन किए हो, तो जो हमारे हॉरिजॉन्टल सॉरी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन की जो हमारे इक्वेशंस है, वही इक्वेशन हमको काम आएंगे और वही इक्वेशन हमारे लिए हेल्पफुल भी होंगे। अच्छा सर ठीक है, समझ में आ गया कि हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन था वो क्या था, 2uy by gy। अब मैं हमेशा यही याद करूंगा कि द टाइम ऑफ फ्लाइट इन एनी ऑफ द प्रोजेक्टाइल केसेस इज गिवन एज 2uy by gy। तो सर फिर मैं रेंज कैसे निकालूं, हमने आपने हमको रेंज बताया था कि वेलोसिटी इन x एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय टाइम, है ना, कि बिकॉज रेंज कवर करने का जो जिम्मा है, जो डिस्टेंस कवर करेगा अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन, तो दो मोशंस हैं, एक तो अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन है और एक तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन है। तो जो अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन है वो कौन करवाएगा, वो करवाएगा यू कॉस थीटा माइनस बीटा। सो ये आ जाएगा यू कॉस ऑफ थीटा माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम, कितना लगा, टाइम लगा 2uy by g, मतलब लग गया 2u sin of theta minus beta upon g cos of beta। अच्छा तो यदि मैं सिंप्लीफाई और कर लूँ उसको, तो क्या हो जाएगा 2u sin of theta minus beta into u, सॉरी इसको u स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। सो ये हो जाएगा u स्क्वायर 2 टाइम्स sin theta minus beta into cos of theta minus beta डिवाइडेड बाय g cos of beta। क्या ये u स्क्वायर sin 2 theta minus beta अपॉन जी कॉस बीटा नहीं बन सकता, बन सकता है, वही तो इक्वेशन है रेंज का। तो मैंने पहले ही आपसे बात कही थी कि आपको जब रेंज याद करना हो तो क्या याद करना पड़ेगा, 2ux uy by g। बट अब मैं बोलूँगा कि भाई साहब तुम याद कर लो 2ux by uy by gy। पहले जो हमने याद किया था वो क्या था, पहले हमारा जनरल इक्वेशन था 2ux uy by g, बट अब जो याद करना है वो क्या करना पड़ेगा, 2ux uy by gy। तो ये क्या दे देगा आपको, ऐसा रेंज मिल जाएगी आपको। Once you get the value of range, every single thing is possible for you। मतलब जो भी हमारे equations हैं, जैसे भी हमारे equations बन रहे हैं, वो सारे के सारे equations कैसे बन रहे हैं, जो हमने पहले बनाए थे। यहाँ पर सिर्फ क्या हो गया, आपने सिर्फ इसको horizontal ना फेंकते हुए आपने इसको incline फेंक दिया। It is just that instead of throwing it in horizontal direction, you have sent it in the incline direction। So incline में throw करने के बाद में particle ऐसे motion cover करेगा, that's it। This is how it's gonna be। So this is how it's gonna define, this is how it's gonna be there। So जो हमारा ये time of flight आया वो क्या है, आज से जो हमारा time of flight होगा वो क्या होगा, 2uy by gy। और जो हमारा range होगा वो क्या होगा, 2ux uy by gy।
दैट इज द इक्वेशन ऑफ द रेंज एंड दैट इज द इक्वेशन ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट. किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो एक बार, वापस ध्यान दो कि हम लोगों ने क्या किया. हम लोगों ने एक पार्टिकल को लिया एंड द पार्टिकल वॉज बिंग थ्रोन एट एन एंगल थीटा माइनस बीटा फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन. और अभी भी पैरामीटर्स निकालने आपको होंगे, पूरा सिंप्लीफाई करना होगा. तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, द एंगल अलॉन्ग द वर्टिकल एंड द एंगल सॉरी द डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आपको बताइए, वाई बराबर एक्स साइन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में कोई चेंज नहीं आएगा, जहाँ पर थीटा था वहाँ पर थीटा माइनस बीटा करो तो बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है. एक्स टैन थीटा माइनस बीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस थीटा माइनस बीटा, यही आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. अगर निकालना भी होगा तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में लगा चुके हो ऑलरेडी, वैसे ही आप डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में लगा दो, दोनों में से टाइम को एलिमिनेट कर दो, यू विल गेट द सेम एक्सप्रेशन. सो बार बार उतनी मेहनत करने से अच्छा है लेट अस गो फॉर द एग्जांपल्स एंड लेट अस ट्राई टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हाउ एग्जैक्टली द मोशन ऑन द प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन वुड डू एंड हाउ इट इज गोना वर्क. तो हमको कहीं दिक्कत ना आए, हमको समझ में आए कि कैसे ये काम करता है. एंड आई होप कि आप सब लोगों ने ये सब कुछ पूरा लिख लिया होगा एंड यू वुड हैव कवर्ड इट थरली कि एग्जांपल्स कैसे बनते हैं. आपको इक्वेशंस याद होंगे, आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी याद होगा, आपको इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज मैक्सिमम कब होती है, मिनिमम कब होती है, व्हाट इज टू थीटा, व्हाट इज कॉस टू थीटा, व्हाट इज साइन टू थीटा, ये सब कहानी हम लोगों ने जब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने पढ़ाया था, तीन लेक्चर लगे थे, बट तीन लेक्चर में इट वॉज वेरी मच इंडीड क्लियर दैट हाउ वी विल यूज दैट कंसेप्ट टू फाइंड आउट द आंसर्स. अब मैं सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ट्राई करना आप लोग सब लोगों ने. ऐसे मान लो कोई एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल दिया हुआ है मेरे पास में 37 डिग्री और अपने यहाँ से भी 37 डिग्री पर विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड पार्टिकल को थ्रू कर दिया. मैंने बोला बताओ भाई साहब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, बताओ रेंज कितना एंड व्हाट इज द नेट वेलोसिटी. तीनों चीज पूछ ली, नेट वेलोसिटी हमने निकाली नहीं थी बट हम तीनों निकाल लेंगे. तो आप खुद से यूज करो पहले कि कैसे कैसे डिराइव करते जाओगे आप, कैसे आपको निकालना है. आपको द वैल्यू याद नहीं है तो अगेन आई एम राइटिंग द वैल्यू ऑफ कॉस 37 एंड द वैल्यू ऑफ साइन 37. साइन 37 इज 3/5, कॉस 37 इज 4/5, कॉस 53 इज 3/5, साइन 53 इज 4/5. तो आपको याद ये होनी चाहिए. टाइम ऑफ फ्लाइट का फंक्शन जो मैंने याद करा है वो क्या करा है, 2uy/gy. पर पहले वेलोसिटी रिजॉल्व तो कर लो. वेलोसिटी रिजॉल्व करोगे तो एक कंपोनेंट जाएगा इस तरफ, एक कंपोनेंट जाएगा ऊपर. ये हो जाएगा 100 साइन 37, ये हो जाएगा 100 कॉस 37. सो यू एक्स की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 100 कॉस ऑफ 37. कॉस 37 की वैल्यू 4/5, सो 100 इंटू 4/5, दिस इज 20, दिस इज गोना बी 80 मीटर्स पर सेकेंड. वैसे ही आप uy की वैल्यू निकाल लो तो uy की वैल्यू आएगी 100 साइन 37, सो दिस गोना बी 100 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, दैट्स गोना बी 60 मीटर्स पर सेकेंड. अच्छा तो हमको ux uy मिल गया, अब gy निकाल लेते हैं. तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था वर्टिकली नीचे था, एक कंपोनेंट जाएगा इस तरह विच इज नथिंग बट जी कॉस 37, एक कंपोनेंट जाएगा इस तरह विच इज नथिंग बट जी साइन 37. सो आई कैन राइट दैट कि एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस इज माइनस जी साइन ऑफ 37. जी साइन 37 मतलब मैं मैग्नीट्यूड देता हूँ 10 मल्टीप्लाइड बाय साइन 37 इज व्हाट, 3/5, सो इट इज 3/5, सो दिस इज 2, दिस इज 6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. Acceleration along y-axis is g cos 37, that is nothing but 10 multiplied by 4/5, that is nothing but 8 meters per second square. अब जो जो बोला वो निकाल लो. टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था भाई साहब, 2uy/gy. uy कितना आया, u आया 60, सो इट इज सिंपली एज 2 मल्टीप्लाइड बाई 60. जी वाई कितना आ गया था 8, 2uy/60/8, दिस इज 1/4, 4/15. सो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लग गया, टाइम ऑफ फ्लाइट लगा 15 सेकेंड. रेंज पूछी थी, रेंज के फॉर्मूला क्या है, 2ux/uy/gy, सो 2 इंटू यू एक्स कितना आया, यू एक्स आया 80, सो 80 मल्टीप्लाई बाई यू वाई कितना आया, यू आया 60, जी वाई कितना आया 8, ये हो गया 10 टाइम्स 600, जैसे 600 600 प्लस इंटू 2, दैट इज गोना बी 1200 मीटर्स. ये आपका रेंज निकल गया. कोई माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है. वी निकालना हो तो यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी. तो यू एक्स की वैल्यू कितनी थी भाई साहब, यू एक्स की वैल्यू थी 80. एक्सेलरेशन नेगेटिव था, हाँ ये नेगेटिव था, कितना आएगा 6,
टाइम कितना लग रहा है, 15 सेकेंड, तो 15, सो इट इज 80 माइनस 6 इंटू 15 कितना का बोलो, 60, 90 इज गोना बी -90, कितना आया -10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी वाई डायरेक्शन यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, तो यू वाई की वैल्यू कितनी थी, यू वाई की वैल्यू आ गई 60, एक्सेलरेशन नेगेटिव कितना आया 8 मल्टीप्लाइड बाई 15, सो 8 15 जा ये होगा 6 96 105 120, दिस गोना बी -60 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमको मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, वी ओवर रूट ओवर -10 का स्क्वायर प्लस -60 का स्क्वायर, सो दैट्स गोना बी 100 प्लस 3600, सो द आंसर इज √3700 और 10√37। और एंगल यदि निकालने बोला जाए तो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा बराबर टैन इनवर्स ऑफ एक्स वी एक्स वी वाई ओवर वी एक्स, दैट इज 6/1, दैट इज टैन इनवर्स ऑफ 6/1, दैट विल बी द एंगल। सो सब कुछ निकल गया, पर आपको कहाँ से समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा पुराने टेक्निक से ही कि जी दिया है जी को रिजोल्व कर लो, यू दिया है यू को रिजोल्व कर लो, जो हमारे बेसिक फंक्शंस है उसमें पुट करते जाओ, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको कहीं भी कोई भी अंतर आने वाला नहीं है। चलो एक और एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग खुद ट्राई करो, एग्जाम्पल लिख लो ढंग से पहले ये वाला, और बहुत फास्ट किया है, समझ में आ रहा है मेरे को, मैंने थोड़ा फास्ट किया है, बट आपको ये दिमाग में घुसना चाहिए, आज हमारा यही काम है कि हम लोग ये खत्म करें, ठीक है, हो गया होगा। चलो चलते हैं आगे, ठीक है, आ जाओ अगला एग्जाम्पल देखो। अभी तक आपने क्या किया, नीचे से ऊपर फेंका, अभी एक काम करो ऊपर से नीचे फेंक दो, ऐसे एंगल दिया है, मान लो एंगल दिया है 53 डिग्री, यहाँ से आपने पार्टिकल को थ्रो किया एट वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर्स पर सेकेंड, एक मिनट में पैरामीटर देख लूँ तो यहाँ से हम कंपेयर कर पाऊँ, नहीं इसको भी 37 ही मानो, ये 37 डिग्री, फेंका तो आपने 50 मीटर पर सेकेंड से था, ठीक है फेंका 50 मीटर पर सेकेंड से था एट एन एंगल ऑफ कितना, एंगल ऑफ 53 डिग्री, एंगल आप कुछ भी ले सकते हो, पर मुझे बस क्रॉस वेरीफाई करना है जो मैंने सॉल्व किया हुआ ऑलरेडी वो सही है गलत है, फेंका तो आपका पार्टिकल जो था वो ऐसे जा करके ऐसे आएगा, यहाँ पे आके हिट किया, मुझे फिर से वही बोला बताओ भैया टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, बताओ भैया रेंज कितना, बताओ भैया वेलोसिटी कितनी, तीन चीज़ें मुझे मेन मेजरली निकालते आनी चाहिए। तो शुरू हो जाओ आप लोग, सब सब लोग आप लोग शुरू हो जाओ, आपको समझ में आएगा कैसे करना है, क्या करना पड़ेगा, देखो यू एक्स की वेलोसिटी वैल्यू नीचे और यू वाई की वैल्यू ऊपर, तो हमारे लिए जो यू एक्स होगा, यू एक्स कितना होगा 50 cos of 53, cos 53 कितना 3/5, सो 50 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 दैट इज गोइंग टू बी 30 मीटर्स पर सेकेंड, यू वाई की वैल्यू आ गई 50 cos of 53 दैट इज 50 cos 53 कितना दैट इज 4/5 दैट्स 10 दैट इज गोइंग टू बी 40 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा एक्सेलरेशन देखो, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जा रहा था नीचे की तरफ, ये आ रहा है इस तरफ और ये जा रहा था इस तरफ, ये आएगा जी साइन 37, ये आएगा आपका जी कॉस 37। आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है कि वो कॉस और साइन कैसे, ना बता दो रुको, सो एक्सेलरेशन अलॉन्ग दी वाई एक्सिस इज गिवन एज जी कॉस ऑफ 37, एक्सेलरेशन अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस इज गिवन एज जी साइन ऑफ 37 दैट इज जी, जी की वैल्यू आपको ऑलरेडी 10 लेनी है, साइन 37 इज 3/5 दिस इज 2 दिस इज 6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज गोना बी 8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, तो हमको सब कुछ तो निकल गया, जी एक्स जी वाई ये वो सब 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 निकल गया है। अब क्या करें, अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का तरीका क्या हो, टाइम ऑफ फ्लाइट सिंपल है, टी बराबर 2 UY/GY, मुझे और दिक्कत करनी ही नहीं है, मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन पता है, मैं इक्वेशन में लिखते जाऊंगा, मैं उसके आंसर्स निकालते जाऊंगा, तो 2 UY/GY, तो 2 UY की वैल्यू कितनी भाई साहब, UY कितना 40, हाँ तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 40, GY कितना, GY था 8, दिस इज 8, तो 5 1 8 1 8 5 10 सेकेंड, सो टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड आ गया, ठीक है टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड आ गया। सेकेंड पॉइंट क्या निकाल लीजिए आपका, पहला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या निकाल लें, सेकेंड पॉइंट निकाल लो सर आप रेंज, तो रेंज बराबर क्या था 2 UX UY/GY, मैं क्यों लिख रहा हूँ, आप लोग कैसे भी करो आपके आंसर्स वहीं आने, हमको एक बार टेक्निक पता चल चुकी है, सो देर इज नो पॉइंट ऑफ चेंजिंग द टेक्निक अगेन एंड अगेन, वी जस्ट स्टिक टू दैट, सो 2 UX/UY, सो 2 UX कितना था, UX था 30, UY कितना था 40, तो 2 40, वाई की वैल्यू कितनी थी, वाई की वैल्यू थी 8, तो 8 5 5 हो जाएगा 60 65 से कितना 300, तो आंसर कितना आ गया 300 मीटर्स, दैट इज द रेंज, मतलब ऊपर से नीचे कितना आया 300 मीटर आया। अच्छा
वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी और वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू एक्स की वैल्यू कितनी थी 30। अब एक्सेलरेशन जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस था वो कितना आया था 6। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था आपका 10। अब मुझे ये पूछना है कि मैं इसको प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं। सोचो कि जब वो पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा था, जब वो पार्टिकल को आपने नीचे थ्रो किया ऊपर जाने के लिए, तो जो एक्सेलरेशन है वो उसको अपोज कर रहा है। इफ दर एक्सेलरेशन इज अपोजिंग इट, हम तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। इफ यू आर सपोर्टिंग इट सो वी शुड राइट इट एज प्लस। तो कितना आ जाएगा ये 30 मल्टीप्लाइड बाई 60 विच इज गोना बी 90 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा यू एक्स यू वाई, यू वाई की वैल्यू कितनी थी भाई साहब तो 40। अब वो ऊपर जा रहा है, जी की वैल्यू नीचे है तो निगेटिव लेना पड़ेगा, तो निगेटिव कितना वैल्यू निगेटिव 8 मल्टी टी की वैल्यू, टी की वैल्यू 10। ओहो, तो 40 माइनस 80 इट इज गोना बी माइनस 40 मीटर्स पर सेकेंड। जब वो टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस 40 मीटर्स पर सेकेंड। तो नेट वेलोसिटी का इक्वेशन क्या लिख दें हम लोग, 90 का स्क्वायर प्लस माइनस 40 का स्क्वायर, दिस इज गोना बी 8100 प्लस 1600, दैट्स गोना बी 9700 और नथिंग बट 10 रूट 97 मीटर्स पर सेकेंड। इतने वेलोसिटी से हिट करेगा, इतने वेलोसिटी से करेगा तो कितने एंगल पे करेगा, तो हम लोग एंगल भी निकालना जानते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वी वाई ओवर वी एक्स इफ द एंगल इज बिन आस्क्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। वी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वी वाई की वैल्यू है माइनस 40, दिस इज माइनस 40 बाय 90। सो थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 4 बाय 9, दैट विल बी योर आंसर, बिकॉज ऑप्टिस एंगल बनना ही था, तो ऑप्टिस एंगल के हिसाब से द एंगल इज गोना बी व्हाट, माइनस 4 बाय 9। ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया अबाउट द मोशन ऑफ द प्लेन इन एन इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन, और मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इन एन इंक्लाइंड प्लेन, कि हम लोग कैसे क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन आपको और दूं क्या करने के लिए, एक क्वेश्चन आप लोग खुद से करो, देन ऑन मंडे इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशंस। एक क्वेश्चन आपके ऊपर है, आप लोगों को समझ में आया है आई गेस, तो एक क्वेश्चन आप लोग कर लो, देन वी विल स्टार्ट विद रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट बहुत ईजी भी है, अंडरस्टैंडेबल भी है, और क्वेश्चंस आते भी हैं, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, वेलोसिटी प्रॉब्लम, एंड देर आर मेनी मच मोर क्वेश्चंस दैट वी हैव टू यू नो फाइंड आउट एंड वी हैव टू यूज इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सो दैट वी कैन गेट द प्रॉपर आंसर। चलो एग्जांपल दे रहा हूँ और मैं, आप खुद से सोचना, खुद से ट्राई करना कि ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन दिया हुआ था, ये एंगल जो दिया है वो 53 डिग्री दिया है, मैंने पार्टिकल को यहाँ से थ्रो किया एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर्स पर सेकेंड। मैं कुछ बेसिक चीज़ें पूछ रहा हूँ आपको, पहली फिर से वही जो हमारी रहती है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, सेकेंड इसका रेंज कितना, तीसरा इसकी जो नेट वेलोसिटी होगी वो भी कितनी। अब सब कुछ पूछ लिया है वापस से, तो पूरा आपको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। तो आप लोग आपके सबसे स्क्रीन पॉज करके शुरू हो जाओ, मैं अपने शुरू हो जाता हूँ, देखो कि आपके आंसर्स बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो मेरे लिए पहले मैं अभी डायग्राम कुछ भी नहीं कर रहा, यू एक्स की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं 400 cos 37, that is going to be 400 multiplied by 4 by 5, that's going to be 80, that's going to be 320 meters per second. The velocity of UY is going to be 400 sin 37, that is going to be 400 multiplied by 3 by 5, that's going to be 80, that's going to be 240 meters per second. ये पहला UX UY मिल गया, फिर हमको निकालना था acceleration along the x-axis. Acceleration along the x-axis was given as g sine of 53, that is going to be 10 multiplied by 4 by 5, that is going to be 8 meters per second square. Gy ki value aage 10 multiplied by cos 53, that is 10 multiplied by 3 by 5, that is going to be 6 meters per second square. Dekh lo, aapko value samajh mein aati hai kya, values nikalna hi to bahut important hai. If you understood the value once, aapko samajh mein aayega. ये यहाँ से जो वैल्यू ऑफ जी नीचे जाएगा, देखो अभी देखो आता कैसे, हाँ ये समझ में मेन इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कॉस कौन सा साइन। देखो यदि ऐसे कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये आपका एंगल थीटा है ना, ये आपका एंगल थीटा, यदि मैं बोलूँ कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट था, इस पॉइंट को नीचे लेके आ जाओ, तो इसका जो एम जी है वो नीचे ऐड करेगा, दो जो वेट एम जी वो कहाँ करेगा नीचे। देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना 90, तो ये एंगल कितना, आई कैन राइट इट एज 90 माइनस थीटा,
क्यों 90 माइनस थीटा? बिकॉज किसी भी ट्राइंगल के ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180। यदि एक 90 है एक थीटा है तो कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा बचेगा। अच्छा अब मैं इस एमजी को रिजोल्व करता हूँ तो एमजी के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट बनेगा ये और एक कंपोनेंट बनेगा ये। अब ये जो कंपोनेंट्स बनते हैं कंपोनेंट के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एंगल है वो पूरा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल मैं कैसे लिखूँ? ये एंगल मैं लिखूंगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा एंगल 90 था तो उसमें से 90 माइनस थीटा निकाल दो तो कितना बचेगा? 90 थीटा बच जाएगा। सो कितना आया? 90 माइनस 90 प्लस थीटा, तो 90 90 कटे तो यहाँ पे एंगल कितना आ गया? थीटा। यदि वो एंगल थीटा आ गया तो जहाँ पर थीटा होता है वो कंपोनेंट कौन सा होता है? दिस इज गोना बी एम जी कॉस थीटा एंड दिस इज गोना बी एम जी साइन थीटा। इसलिए बार बार देखो जब मैं इस जी को रिजोल्व भी कर रहा हूँ तो मैं ये वाला कंपोनेंट ले रहा हूँ जी कॉस थीटा और ये वाला जो कंपोनेंट ले रहा हूँ मैं क्या दे रहा हूँ? जी साइन थीटा। और मेरे थीटा ये हो जाएगा, दिस इज गोना बी थीटा फॉर मी। जो मोशन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन के लिए आपको दिख रहा है वो मेरे लिए थीटा है। तो ऐसे हम लोग जी कॉस थीटा और जी साइन थीटा को निकाल सकते हैं। डायग्राम समझ लेना एक बार, वो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है क्योंकि बार बार मोशन इन द प्लेन फ्रिक्शन में भी काम आएगी। अच्छा टी निकालना था तो टी का फॉर्मूला क्या था? 2 UY / GY। सो 2 UY की वैल्यू 240, तो 2 × 240, GY की वैल्यू 6 × 6 = 24, दैट इज गोइंग टू बी 80 सेकेंड। कितना टाइम लग रहा है इसको? 80 सेकेंड लग रहा है प्रोजेक्टर मोशन कवर करने, बिकॉज वेलोसिटी देखो ना कितनी है, 400 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा है। रेंज, रेंज निकालने क्या करूँ? 2 UX UY / GY। सो 2 × UX की वैल्यू कितनी आई थी? 320। सो 320 मल्टीप्लाइड बाई UY की वैल्यू कितनी? 240। तो 240 डिवाइडेड बाई GY, GY की वैल्यू 6 ने इसको काटा तो कितना आ गया? 40। यहाँ इतना 80 मल्टीप्लाइड बाई 3200 आप लोग कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ वो। तीसरा वेलोसिटी निकालना है तो Vx बराबर UX प्लस AX इंटू टी और Vy बराबर UY प्लस AY इंटू टी। अब UX UY की वैल्यू पुट करो, GY की दोनों वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो UX की वैल्यू कितनी? UX की वैल्यू है 320, सो इट इज गोना बी 320 माइनस, बिकॉज ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, एक्स दिशा नीचे की तरफ आ रहा है, तो माइनस GX, GX कितना है? 8। सो माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना आ गया? टाइम आया था अपना कितना? टाइम कितना गया? टाइम 80 सेकेंड। Vx कितना आया था? UY आया था 240। दिस इज गोना बी 240 माइनस GY इज 6 मल्टीप्लाइड बाई 80। तो ये सॉल्व करोगे तो आपको Vx Vy मिल जाएगा। तो Vnet क्या लिखूंगा मैं? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। थीटा क्या लिखूंगा मैं? टैन इनवर्स ऑफ Vy बाई Vx। तो ऐसे हम लोग मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन द प्रोजेक्टाइल प्लेन कर सकते हैं और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन कम्प्लीटली कवर हो जाता है कि हाउ एग्जैक्टली द प्रोजेक्टाइल मोशन शुड बिहेव। हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया? हम लोगों ने स्टार्ट किया मोशन इन द प्लेन से। मोशन इन द प्लेन में हम लोगों ने देखा कि आपकी वेलोसिटी कैसे होती है, हाउ वी डिफाइन एक्चुअल वेलोसिटीज अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वंस वी आर डन विद दैट, वी डिफाइन द पार्टिकल्स मूविंग इन प्रोजेक्टाइल प्लेन। तो हम लोगों ने पहला देखा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरा देखा हम लोगों ने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन और तीसरा हम लोगों ने आज कवर किया इनक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी आखिरी में आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये फीलिंग आ जाएगी कि सबके सब सिमिलर ही हैं, कोई भी किसी में अंतर नहीं है। ऑल ऑफ देम आर द सेम, देर इज नो डिफरेंस इन देम। इफ देर इज नो डिफरेंस इन देम, वॉट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज नथिंग, कोई डिफरेंस नहीं है। सब इतना समझ में आना चाहिए आपको कि एग्जैक्टली वॉट इज हैपनिंग ओवर देर, एग्जैक्टली वॉट इज बीन डूइंग और हम लोग कैसे सिंप्लीफाई क्वेश्चंस को करते हैं। सो हियर वी कंक्लूड द इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन एज वेल एज कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑन द नेक्स्ट लेक्चर ऑन मंडे वी विल स्टार्ट विथ द रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स, रिवर बोट प्रॉब्लम्स और कुछ और थोड़े छोटे तरीके हैं जो हमारे टॉपिक को आगे लेकर जाएंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं, हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। सो देर इज नो पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक, सो वी विल स्टॉप इट ओवर हियर एंड वी विल डील विद द रिलेटिव वेलोसिटी ऑन मंडे। थैंक यू।